तो आज से तुम होगी हो मिसेस रुद्र सिंह ओबेरॉय। नहीं, आज से तुम होगी हो मिस्टर सौम्या टेंडुलकर। तुम टेंडुलकर हो? हाँ हाँ। मैं सहवाग हूँ, अब धोनी को ढूंढते हैं। वेरी फनी। आप दोनों को बुला रहा है? हमें कौन बुला रहा है? चलो मिलते हैं। इस देवी ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे सपने में भी नजर आ रही है। देखो एक बात बोलूं, मुझे भी नजर आ रही है। इसका मतलब ये कि हम दोनों के सपने में आ रही है। हाँ, मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ को सेम सपने आते हैं। वेट, सुबह, आर यू रेडी? सुबह भाग! रुद्र! रुद्र रुको! देवी के प्रकोप से तुम बच नहीं सकते रुद्र! बच गए। तुम कितने बड़े डरपोक हो ना, तुम्हें शोर मत मचाओ, देवी आ जाएगी। रुद्र बाहर आओ, मैं जानती हूं तुम दोनों यही हो। बाहर निकलो वरना मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगी। भागो! रुद्र, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, मैं देवी हूं। रुद्र दरवाजा खोलो, मैं देवी हूं, मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। एक मिनट, रुको, हम लोग भाग क्यों रहे हैं? उसको तो रूम में बंद करके आए ना। इतनी गर्मी है, ते हैवी कॉस्ट्यूम, इतनी सारी ज्वेलरी, मेरे को नहीं चलना। और मैं बैठ रही हूँ।
पागल हो गया, किसी को ऐसे उठाता है। अब क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? तुमने की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी हुई है? इसका मतलब हम दोनों ने शादी कर ली? नहीं। सारी गलती ना तुम्हारी है, तुम्हें मुझे इतना दूर लेकर आए, फिर गाड़ी में चाबी भूल गए। गाड़ी में चाबी कौन भूलता है, इसलिए तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई और तू मतलब देसी दारू पास ली। एक्सक्यूज मी, हिंदी में बात करो। शट अप। ये सब कुछ रोमी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में, पहले बता देती ना रोमी के बारे में। Don't you blame me, okay? किसको blame करूं? मैं शादी को शादी नहीं मानती, okay? मेरे बात तो तुम सही कह रही हो, शादी शादी नहीं है। इससे अच्छा ना तुम्हारी शादी उस रोमी से हो जाती। इससे तो अच्छा मैं सुसाइड कर लेता। वैसे भी किसी सुसाइड से कम थोड़ी है। What do you mean? मेरे से शादी करना सुसाइड से कम नहीं है, हाँ? मैं इतनी बुरी हूँ? सुमो, तुम ऐसे टिपिकल वाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? हाँ? Shut up! Don't ever call me that again, okay? अच्छा ये सब छोड़ो, घर कैसे जाएं ये सोचो। रुद्रप, घर वालों को क्या बोलेंगे? और वो भी ऐसी हालत में। बेटर होगा अगर हम इस बारे में घर पे किसी को ना बताएं। हाँ, वैसे भी ये शादी एक मिस्टेक थी और मिस्टेक्स थोड़ा ना याद रखा जाता है। तो डन, फिर हम भूल जाएंगे कि हमारी शादी हुई थी और इस बारे में कभी बात नहीं करी। ठीक है। पर इन कपड़ों में देख के मेरे घर वाले समझ जाएंगे कि हमारी शादी। Please stop it. हमने डिसाइड किया था ना हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम बार बार क्यों याद दिलाते जा रहे हो? तुम तो ऐसे बोली जैसे तुम भूल गई थी और मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ इन कपड़ों में देख के हमारे घर वाले समझ जाएंगे कि हमारी शादी हो चुकी है। नए कपड़े खरीद लेंगे ना, हम कपड़े चेंज कर लेंगे। कपड़े खरीद लेंगे? हाँ। ये जंगल में नए कपड़े कौन देगा हमें? हेलो, मैं रुद्र। रुद्र तू कहाँ है, सुबह से गायब है, तेरा फोन भी नहीं लग रहा है, पता है सब कितने परेशान हैं। ये सब छोड़ो ना, आप ड्राइवर भिजवा सकते हो मुझे? तेरी गाड़ी कहाँ है? चोरी हो गई। What? कहाँ? I mean, कैसे चोरी हो गई? वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको आके बता दूंगा सब कुछ, आप इस ड्राइवर को गाड़ी भेज दो। ठीक है, कहाँ भिजवानी है गाड़ी? और तेरी सौम्या से बात हुई? वो भी गायब है, अभी तक आई नहीं है। सुमो मेरे साथ में। कौन? सौम्या। सौम्या मेरे साथ में ही है वो। हेलो हेलो रुद्र, बहुत डिस्टर्बेंस है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ओ हाँ होती है यार, कोई भी आने को तैयार नहीं। मुश्किल से एक टैक्सी ड्राइवर मिला, उसने मेरे हस्बैंड से बात करनी थी। हमारी शक्ल में लिखा है कि हमारी शादी हो चुकी है। ओ मुझे कैब मिल चुकी है, मैं बाद में बात करता हूँ, थैंक यू। I'm so sorry. मुझे लग रहा है उन्हें सुन लिया। मुझे नहीं पता था तुम कॉल पे थे।
सौम्या, इस शादी का कोई मतलब नहीं था। जब उस शादी को कोई मतलब ही नहीं है तो मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में? इट्स ओके रुद्र, काम डाउन, दो चार दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह, रिलैक्स। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।